Afternoon to all of you. आज हम पेज 3.5 पे क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं. तो सब लोग पेज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 5 निकालो, पेन या पेंसिल ले लो. चीजों को टिक मार्क करने से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. एवरीवन इज रेडी? चलो ध्यान देते जाएंगे सब लोग. पेज 3.5 पे क्वेश्चन नंबर 5. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री करोड़ीमल prepare a manufacturing account, trading account, profit and loss account for the year ending December 2002 and the balance sheet on that date. चलो डेबिट साइड से बताते जा रहा हूं, टिक मार्क करके ले लो. एवरीवन प्लीज ड्रॉइंग को लिखो लेस फ्रॉम कैपिटल. ड्रॉइंग को लिखो लेस फ्रॉम कैपिटल. गुडविल को एसेट. प्लांट एंड मशीनरी एसेट. एसेट बोले तो खाली ए लिखने का, पूरा वर्ड एसेट लिखने की जरूरत नहीं है. लैंड एंड बिल्डिंग एसेट. कैश एंड बैंक बैलेंस एसेट. सन्ड्री डेटर भी एसेट. पेटेंट भी एसेट. यहां तक हो गया सबका? चलो सैलरी ऑफ मैनेजर पीएनएल डेबिट. सैलरी ऑफ मैनेजर पीएनएल डेबिट. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. ओपनिंग स्टॉक बोला है तीनों का, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस जाएगा मैन्युफैक्चरिंग डेबिट और फिनिश गुड्स जाएगा ट्रेडिंग डेबिट. दो ऊपर एक नीचे, दो ऊपर एक नीचे. फिर कैरेज इनवर्ड मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. वेजेस एंड सैलरी में पहला वर्ड वेजेस है कि नहीं, इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. अगर पहला वर्ड सैलरी होता तो पीएनएल डेबिट में दिखाने का, पहला वर्ड क्या बस वो देखने का. चलो फिर फैक्ट्री वर्ड आया ना, टेंशन ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. फैक्ट्री एक्सपेंस भी मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. फैक्ट्री रेंट भी मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. हो गया सबका? फिर ऑफिस एक्सपेंस पीएनएल डेबिट. प्रिंटिंग स्टेशनरी पीएनएल डेबिट. डिस्काउंट पीएनएल डेबिट. और बैड डेब्ट्स को लिखो फॉर्मूला एफ. बैड डेब्ट्स कहा जाएगा सर? फॉर्मूला एफ. चलो पूरा डेबिट साइड ओके, सबका हो गया टिक मार्क. कुछ पूछना है किसी को? फाइन. क्रेडिट साइड से स्टार्ट कर रहा हूं. कैपिटल लायबिलिटी. सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी. बैंक लोन लायबिलिटी. रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स का शॉर्टकट लिखो आरडीडी. रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स का शॉर्टकट लिखो आरडीडी. फिर लिखना एफ. एफ फॉर फॉर्मूला. सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट. डिस्काउंट क्रेडिट में दिखा है इसके लिए पीएनएल क्रेडिट. और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब लिखो परचेस रिटर्न. पहले रिटर्न आउटवर्ड का मतलब लिखो परचेस रिटर्न. अभी याद रखना हम उसको परचेज में से क्या करेंगे, लेस. तो सामने साइड पे देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वर्ड है उस पर डॉट करो. सामने साइड पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है उस पर डॉट करो. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पे डॉट. पूरा ट्रायल बैलेंस हमने डिस्कस कर लिया. किसी को कुछ पूछना है स्पीकर ऑन करके पूछो. इफ एनीवन हैज एनी क्वेरी प्लीज. नहीं, ठीक है कंटिन्यू करते हैं. एडजस्टमेंट सामने सामने दो इफेक्ट लिख के लेने का सब लोग. पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक है. रॉ मटेरियल के सामने लिखो मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट. शॉर्टकट में रॉ मटेरियल के सामने मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट. वर्क इन प्रोग्रेस के सामने भी सेम मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट. लेकिन फिनिश गुड्स के सामने ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट. ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट लिखा सबने? ओके वेरी गुड. एडजस्टमेंट नंबर टू पढ़ रहा हूं. एडजस्टमेंट सिंपल है एक हाथ छोड़ के.
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1500 रुपया। आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट मैं बोलता हूं, एड टू एक्सपेंस लायबिलिटी, एड टू एक्सपेंस लायबिलिटी। वापस एक बार, एड टू एक्सपेंस लायबिलिटी। पहले पेज पे जाओ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वर्ड को ढूंढो, डॉट करो, नीचे देखो यहां पे डॉट करो, डॉट करो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे, एड टू एक्सपेंस लायबिलिटी लिखा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे डॉट हो गया। चौथा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट सी पढ़ रहा हूं, प्रीपेड एक्सपेंस बोला है फैक्ट्री रेंट एंड रेट। प्रीपेड जो होता है ना वो आउटस्टैंडिंग का एग्जैक्ट उल्टा इफेक्ट होता है। इफेक्ट मैं बताता हूं, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एसेट, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एसेट, क्या दो इफेक्ट आएगा सर, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एसेट, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एसेट। चलो पहले पेज पे जाओ, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स लिखा है ना, उस पर डॉट आएगा, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स पे डॉट प्लीज। एडजस्टमेंट नंबर डी पे एक स्टार करो, एडजस्टमेंट डी पे स्टार करो, इधर स्टार करो, एडजस्टमेंट डी, एडजस्टमेंट नंबर डी जो है ना उस पर स्टार करो। चलो अच्छा एडजस्टमेंट है, याद मुझे कवर करना है। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 2% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। वो लोग बोलते हैं कि मैनेजर को 2% कमीशन दो, लेकिन वो 2% कमीशन का अमाउंट नहीं बोला है, बोला है कि जो भी नेट प्रॉफिट होगा ना, नेट प्रॉफिट उसका 2%। तो ये कैलकुलेशन है, कैसे मैं सिखाऊंगा आपको। पहले दो इफेक्ट लिखो, हमको कमीशन देना पड़ेगा तो एक्सपेंस है, पहला इफेक्ट जाएगा पीएनएल डेबिट, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी। लिखो दो इफेक्ट, पीएनएल डेबिट बैलेंस शीट लाइबिलिटी, पीएनएल डेबिट बैलेंस शीट लाइबिलिटी। ठीक है, बाद में डिस्कस करूंगा भाई। एडजस्टमेंट ई, इंक्रीज रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स बाय 5000। पहले रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स का शॉर्टकट लिखो आरबीडी, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स का शॉर्टकट लिखो आरडीडी। आरडीडी के दो इफेक्ट लिखो, लेस फ्रॉम डेटर फॉर्मूला, आरडीडी के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम डेटर फॉर्मूला, लेस फ्रॉम डेटर फॉर्मूला। डेटर पे डॉट प्लीज, पहले पेज पे जाओ, डेटर पे डॉट करो। यस, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज स्टिल अनपेड। अनपेड का मतलब लिखो आउटस्टैंडिंग, अनपेड का मतलब लिखो आउटस्टैंडिंग। और अपने पास शीट्स पे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन वाला एडजस्टमेंट है, मैंने सिखाया है। दो इफेक्ट क्या जाने चाहिए सर, पहला इफेक्ट पीएनएल डेबिट, सेकेंड इफेक्ट एड टू बैंक लोन, पीएनएल डेबिट एड टू बैंक लोन। तो लिखो पीएनएल डेबिट एड टू बैंक लोन। पहले पेज पे जाओ, बैंक लोन वर्ड है देखो यहां पे, इस पे डॉट करो, बैंक लोन वर्ड दिख रहे यहां पे, डॉट करो इस पे, बैंक लोन पे डॉट हो गया। चल नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन देने बोला है प्लांट एंड मशीनरी पे 10%। डेप्रिसिएशन तो हमने हर क्वेश्चन में किया है। लेस फ्रॉम एसेट मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, मशीनरी है ना वो, तो लेस फ्रॉम एसेट मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, लेस फ्रॉम एसेट मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। पहले पेज पे जाओ, प्लांट एंड मशीनरी पे डॉट करो, पहले पेज पे जाओ डॉट करो। चल प्लांट एंड मशीनरी पे डॉट हो गया। फिर राइट ऑफ पेटेंट एट द रेट ऑफ 33.5 बोला है ना, उसको 33.33 करो, 33.5 नहीं है, 33.33 होना चाहिए, 33.33 करो उसको, 33.33% पर एनम। हाँ भी राइट ऑफ का मतलब लिखो डेप्रिसिएशन ही होता है, राइट ऑफ का मतलब डेप्रिसिएशन ही होता है। अब डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट हमको आते हैं, लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डेबिट, लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डेबिट, लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डेबिट, लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डेबिट। जाओ पेटेंट वर्ड को ढूंढो, डॉट करो, पेटेंट वर्ड को ढूंढ के डॉट करो। पहले पेज पे पेटेंट वर्ड है देखो, मिडल में डॉट करो। चल ओके डॉट, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, स्पीकर ऑन करके डाउट है तो पूछो, इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग।
नहीं तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं, रिलैक्स बैठो एकदम, इसमें नेट प्रॉफिट वाला एडजस्टमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, लाइव में तुम देखना ही, प्लस वापस एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर जब मैं भेजूंगा तब उसमें भी देख लेना, फाइन। अभी से रिकॉर्डेड लेक्चर सबको नहीं जाएगा, जिसको भी रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए उसको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, तो ही हम उसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजेंगे, ये कंफर्म करके कि वो अपना रेगुलर स्टूडेंट है कि नहीं। अगर तुम रेगुलरली लेक्चर नहीं देख रहे तो हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं भेजेंगे अभी से सबको, फाइन। पेज 3.5 पे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूं, चलो पहला पोस्टिंग कंप्लीट कर लेता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारा चीज कवर होगा इसमें। ड्रॉइंग्स इनर कॉलम में 36,000 गुडविल एसेट होता है, एवरीवन नोस। अमाउंट 40,000, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, तो इसको इनर कॉलम में 2,00,000 रुपया लिखा और नीचे एक लाइन छोड़ा, ये देखो। चल लैंड एंड बिल्डिंग पे कुछ नहीं बोला है, ₹1,20,000। ₹2,000 देख रहे सब लोग, पेटेंट के बाद सैलरी टू मैनेजर पीएनएल में आना चाहिए, अमाउंट 16,000। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल यहां पे आता है, लेकिन यहां का रूल है पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखना, फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लिखना, और फिर आप परचेस लिख सकते हो। परचेस का अमाउंट क्या है सर? परचेस का अमाउंट 1,50,000 है, देखना परचेस रिटर्न है तो मैं उसको इसमें से माइनस कर रहा हूं 6,500, तो आउटर में 1,43,500 जाएगा, 1,50,000 में से ये माइनस किया 6,500, तो 1,43,500 परचेज हो गया, ओपनिंग स्टॉक दोनों हो गया, एक ओपनिंग स्टॉक इधर आता है, फिनिश गुड्स का 90,000, फिर कैरेज इनवर्ट इधर ही आएगा, कैरेज इनवर्ट 10,000, वेजेस एंड सैलरी इधर ही आएगा, कोई डॉट नहीं है, अमाउंट 75,000। फैक्ट्री एक्सपेंस इधर ही आएगा, फैक्ट्री पे कुछ भी बोलने दो डेबिट में ही आता है 12,000। फिर फैक्ट्री का रेंट भी दिया है, अमाउंट 15,000, उस पर डॉट है तो इनर कॉलम में लिखा 15,000, एडजस्टमेंट है ना तो इनर में लिखा रेंट, फैक्ट्री रेंट। ठीक है, चलो ये फैक्ट्री रेंट वर्ड है, फैक्ट्री रेंट वर्ड है, चलो। फिर ऑफिस एक्सपेंस इधर आएगा 8,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे डॉट है, इनर में 7,500, डिस्काउंट अमाउंट 5,500, और लास्ट में बैड डेब्ट्स तो फॉर्मूला में टी के सामने आएगा, ट्रायल बैलेंस चल रहा है ना तो टी के सामने। चलो डेबिट साइड पूरा हो गया मेरा, क्रेडिट साइड पे जा रहा हूं, कैपिटल 4,50,000, कैपिटल
सन्ड्री क्रेडिटर इधर आएगा, क्रेडिटर पे कोई डॉट नहीं है, 125। बैंक लोन लायबिलिटी में आएगा, बैंक लोन पे डॉट है प्लीज, 75,000। फिर रिजर्व फॉर बैड डेट्स मतलब आरडीडी होता है, आरडीडी इधर आएगा 5,500, ये माइनस भी हो गया याद रखना लास्ट में। सेल्स, सेल्स पे डॉट नहीं है, आउटलुक में 3,24,000। डिस्काउंट इधर, किसी को ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग में कुछ पूछना है, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? नहीं, ठीक है। तो चलो मैं एडजस्टमेंट्स को स्टार्ट कर रहा हूं, एक एक करके ध्यान देते जाना एडजस्टमेंट्स को। Let us discuss adjustment one by one. पहला adjustment as usual closing stock है, तो closing stock का ये पहला effect raw material closing stock of work in progress, raw material का amount 55,000, work in progress 75,000 और finished goods का इधर आना चाहिए अमाउंट 95,000। ये पहला इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट इधर, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल का 55, वर्क इन प्रोग्रेस 75, फिनिश गुड्स 95। ये आपका पहला इफेक्ट हो गया क्लोजिंग स्टॉक का, ये आपका दूसरा इफेक्ट हो गया क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक इज डन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला है, कुछ भी आउटस्टैंडिंग बोला रहेगा तो पहला इफेक्ट ऐड। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है सर? 1,500। 7,500 में 1,500 ऐड किया तो 9,000 हो गया। सेकेंड इफेक्ट इधर जाएगा, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,500। क्लियर के सबको? चलो एडजस्टमेंट वन हो गया, एडजस्टमेंट टू हो गया, एडजस्टमेंट थ्री में प्रीपेड एक्सपेंस बोला है। याद रखना आउटस्टैंडिंग के जो दो इफेक्ट दिए ना आपने यहाँ पे, एग्जैक्ट उसका उल्टा इफेक्ट होता है प्रीपेड का। प्रीपेड क्या है? फैक्ट्री रेंट। तो ये देखो लेस, प्री पे अमाउंट 2,000, 15 में से 2 गया 13,000 पहले। सेकेंड इफेक्ट एसेट में आएगा, प्री पेड रेंट, फैक्ट्री रेंट अमाउंट 1,000, 2,000। हाँ ये देखो ये पहला इफेक्ट हुआ प्रीपेड का, ये दूसरा इफेक्ट प्रीपेड रेंट। चौथा एडजस्टमेंट बोलते हैं कि मैनेजर को 2% कमीशन दो। तो पहले इफेक्ट सुनो, कमीशन देना पड़ेगा बिजनेस में से देना पड़ेगा तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो इधर आएगा 2 कमीशन टू मैनेजर, ये पहला इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट हमको देना पड़ेगा तो हमारे लिए लाइबिलिटी है वो, तो सेकेंड इफेक्ट इधर आएगा आउटस्टैंडिंग कमीशन। अभी उन्होंने ये 2% किसका बोला है? नेट प्रॉफिट का। फिलहाल हमारे पास नेट प्रॉफिट है ही नहीं, हमको पता ही नहीं है, तो हम कैसे ढूंढे? तो हम बाद में ढूंढेंगे जब नेट प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन सुनो यही कमीशन सेल का 2% बोला होता तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इसका 2% निकाल के अमाउंट लिख दिया होता अभी तक। अगर सेल्स पे बोला तो टेंशन ही नहीं, क्योंकि सेल्स का अमाउंट है हमारे पास। लेकिन इन्होंने 2% देखो ना नेट प्रॉफिट का बोला, नेट प्रॉफिट तो क्लोजिंग के टाइम पे आएगा ना, तो अभी नहीं मिल सकता ये कमीशन का अमाउंट, ये बाद में निकालने का। खाली इफेक्ट देखे रखा है, देखो ये पहला इफेक्ट और ये दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग कमीशन, बाद में करेंगे, पेंडिंग रखते हैं। इंक्रीज रिजर्व फॉर बैड डेट्स, आरईडीडी है वो, डेटर में से लेस कितना अमाउंट बोला है 5,000, 59 में से 5 गया 54 पहला इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट आरडीडी इधर आता है, ये ए के सामने आएगा 5,000। अभी तुम देखो ये 4.5 और ये 9.5, 9.5 में से ये 5,500 गया तो आउटर में 4,000 है। ये देखो ना ये दोनों ऐड होगा, ये तो है ही नहीं, 4, 5, 9,
9500 में से 5500 गया तो बैलेंस इज 4000। चलो ऑलरेडी खत्म। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज स्टिल अनपेड, पहला है टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन चलेगा। ये देखो अमाउंट 1200, ये पहला इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट बैंक लोन में क्या करेंगे, एड इंटरेस्ट 1200, तो टोटल होगा 76200। ये पहला इफेक्ट, ये दूसरा है। फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी बोला है तो लेस डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट है सर, 10%, 2 लाख का 10% 20,000 माइनस किया बचेगा 1,80,000। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है ना तो उसका इफेक्ट इधर आता है 20,000, दिख रहा है क्या। चल लास्ट में वापस राइट ऑफ बोल, राइट ऑफ मतलब वो डेप्रिसिएशन ही होता है, 33.5 नहीं हो, 33.33% है। अभी आपका पेटेंट का अमाउंट 9000 है, 9000 है तो उसका इनटू 33.33% निकालोगे ना तो कैलकुलेटर पे 2999.7 दिख रहा है ना, तो पॉइंट के बाद 7, मैं इसको 3000 लूंगा, 2999.70 है वो, तो 3000 होता है, राउंड ऑफ करके लेने का, पॉइंट में लेने का ही, तो लेस डेप्रिसिएशन 3000, 9 में से 3 गया 6000 बचा। सेकेंड इफेक्ट उसका पीएनएल में आएगा, इधर देखो टू डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट्स 3000 हो गया। सो दिस इज डन, हमने ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कमीशन पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग रखा उन्होंने, बोला कमीशन जो होगा वो नेट प्रॉफिट का 2% होना चाहिए, तो अभी मैं आपको क्लोजिंग के टाइम पे ये कवर करके दूंगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एवरीथिंग इज कवर एक्सेप्ट ये एक चीज। तो अब ये चीज सीखना कल के लेक्चर में, मैंने बोला कल के लेक्चर में फिर से वापस यही वाला एडजस्टमेंट वापस आएगा, एक क्वेश्चन फिर से एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। और मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ना, आज का ये लेक्चर रिकॉर्डेड एक बार वापस सुन लेना, जब रिकॉर्डेड रहेगा ना आपके पास मैं भेजूंगा ना तो आप रिकॉर्डेड में सुन लेना, आगे से हम रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं भेजने वाले क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फिर लाइव में ही देख रहे हैं। तो आपको चाहिए आप मुझे रिक्वेस्ट भेजने का, हम आपको भेज देंगे। तो आप ये दो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट वाला सिखाने वाला तो उसमें कवर हो जाएगा ये वाला पार्ट। चलो क्लोजिंग आपके सामने, हमेशा इससे स्टार्ट होता है, 35,000, 60,000, 143,500, 10,000, 75,000, 12,000, 13,000 और 20,000, सो द टोटल इज 3 लाख, 3 लाख मुझे जो आ रहा है 3,68,500 टोटल, 3,68,500 ठीक है। माइनस, ये माइनस करेंगे दोनों, 55,000 माइनस 75,000 तो ये आया 2,38,500, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, याद है ना सबको, ये ढूंढ के हम इधर ट्रांसफर करते हैं टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 2,38,500 हो गया। अभी ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, चलो ग्रॉस प्रॉफिट 3,24,000 प्लस 95,000 टोटल इज 4,19,000 बराबर है, टोटल दिख रहा है सबको 4,19,000 माइनस 90,000 माइनस 2,38,500 तो बैलेंस इज 90,500। क्या बोलते हैं सर इसको, हम लोग इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, याद है ना सबको। फिर ये ढूंढ के हम इधर लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट,
90,500। अभी जज करते ये अमाउंट जो कम है ये ज्यादा है, देखो मैं क्या कर रहा हूं अभी ध्यान देना, अभी देखना क्या करने का। पहले इधर का टोटल करता हूं, 90,500 प्लस 3,500 कैलकुलेटर पे 94,000 आया। देखो ध्यान देना, ये 94,000 लिखने का ध्यान दो प्लीज। लिखा अभी कैलकुलेटर पे इस 94,000 में से ये सब अमाउंट माइनस करने का और जो आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा, लेकिन वो लिखने का नहीं। सर वापस बताओ, ये टोटल किया यहां तक तो पहले जो था वो सब सेम था, ये टोटल किया टोटल किया टोटल रेडी है, इसमें से सब माइनस करता हूं, माइनस 4,000 माइनस 16,000 माइनस 8,000 माइनस 9,000 माइनस 5,500 माइनस 1,200 और माइनस 3,000। तो कैलकुलेटर पे क्या आंसर आया सर, 47,300। दिख रहा है क्या जो भी कैलकुलेटर पे आया उसका कितना परसेंट बोला, देखो उसका 2% लेने का, तो जो भी कैलकुलेटर पे आया उसका 2%, ठीक है, तो इनटू 2% तो आंसर इज 946। तो आंसर इज 946 जो बचा था ना उसका 2% निकाला मैं, जो भी बचा था उसका 2%, तो 946 लिख देने का, 946। सेकेंड इफेक्ट में भी लिख देने का कमीशन 946। समझा क्या कमीशन ऑन सेल्स कैसे निकालने का, एक बार कमीशन ऑन सेल्स मिल गया फाइन, इसके बाद में आप फिर से क्लोजिंग करके अभी नया नेट प्रॉफिट निकालने का फिर से एक बार। तो फिर से 94,000 माइनस 4,000 माइनस 16,000 माइनस 8,000 माइनस 9,000 माइनस 5,500 माइनस 946 माइनस 1,200 एंड माइनस 3,000, तो फिगर इज 46 354। ये क्या मिला, ये आपका नेट प्रॉफिट। उन्होंने बोला था कमीशन के लिए जो भी आपका नेट प्रॉफिट आएगा ना पहले वाला उसका 2%, तो ये ले लिया। फिर ये लिखने के बाद वापस नया नेट प्रॉफिट निकालने का इधर दिखाने का 46,354। अभी क्लोजिंग पे जाते हैं, 4,50,000 माइनस 36,000 और प्लस 46,354, तो ये टोटल इज 4,60,354 बराबर है। प्लस 1,25 प्लस 76,200 प्लस 1,500 प्लस 946 टोटल इज 6,64,000। टैली फिगर इज 6,64,000। वहां का देखते 40,000 1,80 1,20 37 54 6,000 55,000 75,000 95,000 and 2,000। तो कैलकुलेटर में देखो फिगर क्या आया, कैलकुलेटर में देखो फिगर क्या आया, 664। वापस एक बार क्लोजिंग एक बार समझाता हूं मैं, डोंट वरी एट ऑल, क्लोजिंग मुझे एक बार अच्छे से समझा रहे तो सिंपल है, खाली आप इफेक्ट याद रखना बस, डोंट वरी। देखो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया, कमीशन क्या बोला था कि प्रॉफिट का 2%, तो प्रॉफिट मिलने के बाद कमीशन मिलेगा, तो इसको लिख के अमाउंट के बिना लिख के रख देने। फिर क्या करने का, ये टोटल किया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो इधर से इधर लिखा, देख रहे हो आप लोग, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालो इधर से इधर लिखा, फिर रुक जाने, फिर कैलकुलेटर पे पहले ये साइड का टोटल किया मैंने, टोटल दिख रहा है सबको वो इधर लिखा, फिर कैलकुलेटर में ये टोटल में से ये सब माइनस करते गया, माइनस करते गया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 माइनस किया, फिर जो बचा ना कैलकुलेटर पे फिगर उसका कितना परसेंट बोला था 2% निकाला, तो उसका 2% आया 946 और वो फिर इधर लिखा और इधर लिखा, दो इफेक्ट आएगा ना, और वो लिखने गया तो वापस एक बार कैलकुलेशन किया, फिर इसमें से ये सब ये भी एक्सपेंस है ना माइनस करने का, जो बचा वो नेट प्रॉफिट।
पहले कमीशन निकाल लेने का 2% वो लिखने के, वापस कैलकुलेटर को डिलीट करके 94 में से सब माइनस करने का, नया नेट प्रॉफिट है। जो पहले वाला आया था वो कमीशन के लिए, ये एक्चुअल नेट प्रॉफिट। फिर इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पे लिखा है, इस 450 में से 36 माइनस किया, ये प्लस किया, 460,354 रुपए बैलेंस आए। फिर टैली फिगर आ गया 6,64,000। मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन का एक बार आप वापस एक बार घर पे वापस एक बार गोथ्रू करोगे ना तो आपको ये बहुत सिंपल जाएगा। अभी मैं इसका फोटो खींच देता हूँ, आपको फोटो भेज देता हूँ, फोटो देख लेना। फिर जब एक्चुअल लेक्चर भेजूंगा तो गोथ्रू करना। कल वापस एक बार कमीशन वाला क्वेश्चन ही मैं कवर करूंगा। चलो, आप में से किसी को कुछ पूछना है? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? कुछ किसी को क्वेरी, कुछ डिफिकल्टी, कुछ पूछना है एनीथिंग? नहीं तो चलो आज के लिए वाइंड अप करते, कल सेम टाइम पे फिर से अकाउंट्स में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। पवन